ये क्वेश्चन देर का है, इसमें समीकरण दिया हुआ नहीं, समीकरण खुद को ही बनाना है, फिर हल भी करना है। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल दे रखा है आपके 182। गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद जो मिलने वाला फल, मतलब 7 को 9 से गुणा किया जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं। मतलब दो संख्याएं ऐसी जिनको जोड़ने पर, उसका योग करने पर 27 आता है और गुणा करने पर कितना आता है आपके 182 आता है। तो बताना है वो संख्याएं कौन सी। अब आप बोलो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का हमें कैसे मालूम चलेगा? जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक चैप्टर में 2 का, चैप्टर 3 का है, 4 का है, मालूम चल जाएगा धीरे धीरे आगे सॉल्व करोगे। तो इसमें तो दो संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया, और माना दूसरी संख्या इसको हमने मान लिया है वाई। अब आप चाहो यहां पर चैप्टर नंबर 3 से भी कर सकते हो, इक्वेशन ऑटोमेटिक वही बनेगी। 3 चैप्टर है, चैप्टर 3 का ही बनेगा और 4 तो 4 का ही बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहां पर आपके सिचुएशन नंबर 1 पहला है इनका योग, हमें लिखना है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। बताओ योग कितना है? योग देर का है 27। इसका मतलब है अगर मैं x और y दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। अगर आप चाहते हो x को रखूं मैं, क्या करना है x उधर भेज दो, तो y का मान कितना आएगा आपके 27 माइनस एक्स। मतलब पहली संख्या आपकी x है और दूसरी आपकी 27 माइनस एक्स है, ये y है ना, y का मान तो यही आ रहा। अब हमें लेना है दूसरी स्थिति क्या दी हुई, देखो ध्यान देना, सेकंड लिखा हुआ है इनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का, या लिख सकते हो दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? वो दे रखा आपके 182। मतलब मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है? 182। जैसे गुणा का नाम आएगा ना तो घात बढ़कर ऑटोमेटिक 2 बन जाएगी, एक्स की घात 2 हो जाएगी। तो समझ लो चैप्टर नंबर 4 में आ गए हम। अब देखो एक्स का एक्स, बताओ वाई का मान कितना है? ये रहा वाई का मान, वाई का मान देर का है 27 माइनस एक्स बराबर 182। गुणा करो 27 इंटू एक्स करेंगे तो 27 एक्स, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर दे रखा है आपके 182। अब इसको हमें सही लिखना, देखो ध्यान देना, ये वाला इधर आएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसमें हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा 182 बराबर 0। अब इसको सही करना है आपको, पहले आएगा स्क्वायर, फिर आएगा एक्स, फिर आएगी संख्या। पहले आएगा आपके स्क्वायर, फिर आएगा आपका एक्स, और फिर आएगी आपके संख्या। आप चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो, एक का साइन बदला तो सबका साइन बदल जाएगा। तो अब आपका मेन नंबर है वो ये आने वाला है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस कर दिया तो प्लस का और माइनस का प्लस कर दो, बराबर में क्या आएगा आपके 0। अब हम आ गए मेन क्वेश्चन, हमारा मेन इक्वेशन हो गई। अब इसको आप चाहो तो द्विघाती सूत्र से हल करो या फिर गुणनखंड से, मतलब हमें यहां तक पहुंचना है इस समीकरण तक, इसके बाद आप मर्जी है जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो तो 182 और जोड़ दो तो 27, कौन सा नंबर है? 13 और 14। अगर आपको नहीं आता है, भेजे में नहीं पड़ता है, ऐसे कर लेना, इसमें 2 का भाग 2 81, 3 का भाग 2 81 आता है ना, 91 आता है, 91 फिर भाग जाता है 7 का 13 बार, फिर 13 का 1 बार। जैसे ये 13 ले लिया और ये दोनों मिलकर कितने होते हैं? 14 होते हैं, 14 इंटू 13 इनको गुणा करेंगे तो 82 आएगा, घटाओ कितना आता है आपके, हाँ जोड़ो कितना आता है? 27 आता है। तो एक आएगा 14 एक्स और एक आएगा आपके 13 एक्स। अब यहां पर है आपके प्लस,
इस प्लस का मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही। अब यहां पर क्या है माइनस, दोनों किसके आएंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये भी 27 ये भी 27। बस लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हल करते हैं, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन, एक्स कट गया एक्स बच गया, एक्स कट गया 14 बच गया, जो साइन यहां पर है वो लगाना है। इन दोनों में ही 13 का भाग जा रहा है, एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस, 13 का भाग इसमें जाएगा 14 बार, बराबर 0। जो इधर आया है सेम इधर ही आएगा। अब एक्स माइनस 14 क्या ले लिया हमने यहां पर, कॉमन ले लिया, पीछे बताइए नंबर, एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब हम दो भाग करते हैं, पहला इधर वाला, माइनस का उधर भेज दो तो प्लस, और उसको इधर भेज दो क्या आ जाएगा, प्लस 13। ये तो एक्स का मान है, ये तो पहली संख्या है, ये तो पहली संख्या है, हमें चाहिए दूसरी संख्या, वाई का मान चाहिए। हमें क्या चाहिए, वाई का मान कितना बताओ, ये रहा वाई का मान, 27 में से एक्स गया, 27 में से 14 गया तो कितना बच गया, इधर आया तो उधर भी याद करो, अगर मुझे वाई का मान याद करना है 27 माइनस 13 कितना आएगा, या तो मेरा उत्तर है 14 13, 14 और 13, और या फिर मेरा उत्तर है 13 और 14, दोनों मतलब एक ही है। ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर कितना आता है 27, इनको जोड़ेंगे तो भी और इनको जोड़ेंगे तो भी। अब पहले कौन सी दूसरी कौन सी, आपको लिखा हुआ था नहीं, तो ये और ये उत्तर आपका मेन तो 13 और 14 संख्या है, दो तो दो संख्या है 13। अब ये इसको मानो इसको मानो, अब आप गुणा पहले ऐसे करो, इसको ऐसे गुणा करोगे या इसको ऐसे गुणा करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम आंसर ही आने वाला है। तो जब भी इसमें हमेशा डबल उत्तर आएंगे, इसका उत्तर अलग आएगा इसका उत्तर अलग आएगा। कभी कभार क्या होगा कि यहाँ पर माइनस आएगा तो उनको हटा देंगे, हमें कौन सी चाहिए केवल प्लस वाली चाहिए तो प्लस वाली, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस के आ गए ना तो आपका उत्तर लेते हैं 14 और 13 या फिर 13 और 14 हमारा उत्तर है। दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक, देखो ध्यान देना, पूर्णांक कहते किसे है, जैसे ये 0 है 1 2 3 4, ये है आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये सभी के सभी आपस में क्या है, पूर्णांक है, इन सभी को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाली, मतलब हमें ये इसके बारे में बात कर रहा है, प्लस के 1 से शुरू कर रहा है, प्लस का ये शुरू होता है 0, ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, और ये नंबर, ये बोला है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब ये दो संख्या भी हो सकती है, 3 4 भी हो सकती है, लगातार दो संख्या है, 5 6 भी हो सकती है, 9 और 10 भी हो सकती है, तो लगातार दो संख्या होंगी। तो यहां पर हमें लिखना है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हमने पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं बराबर में एक्स। अब यहां पर है आपके दो क्रमांकित है, क्रमांक मतलब होता है लगातार, जैसे अगर मान लो मैंने 1 2 ले लिया तो अगला क्या है, 2 से कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अगर मैंने यहां पर 2 लिया, ये अगर 2 है तो ये 2 प्लस 1 है, अगर ये 3 है तो ये 3 प्लस 1 है, मतलब दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x है तो हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है वो 1 ज्यादा होगा, तो मैं लिखूंगा x+1। तो यहां पर तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पूर्णांक बोला है, पूर्णांक में माइनस भी आता है प्लस भी आता है, लेकिन यहां बोला है धनात्मक मतलब प्लस वाला लेना है, और क्रमांकित देना है, क्रमांकित में होता है 1 का अंतर, 10 के बाद 11 11 के बाद 12, जो भी उत्तर आएगा वो लगातार ही आएगा, वही उत्तर है जो अभी आया था, यही उत्तर 13 और 14 यही उत्तर आएगा। देखो अब यही सवाल ही वही है, बस लिखने का तरीका इसने चेंज कर दिया। अब ये क्या बोला, देखो ध्यान देना, सिचुएशन के हिसाब से चलना है आपके, देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, इनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, याद ध्यान देना आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वर्गों का, पहले दोनों को वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद आपको जोड़ना है, तो आपको कितना मिलने वाला है,
365 मिलने वाला है, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना बता रहा है, 365। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वर्गों के योग मतलब मान लो ये 2 का स्क्वायर और फिर ये 3 का स्क्वायर, 2 × 4 और 3 × 3, यहां पर कितना आएगा लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ आएगा। ऐसे आपको ट्राई करना है, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, इसका होता है 9, इसका होता है 16, जोड़ कितनी होती है 25। अगर 3 और 4 होंगे तो यहां पर 25 लिखा हुआ आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या पता कौन से नंबर है, लगातार 2 नंबर है, 9-10 भी हो सकते हैं, 10-11 भी हो सकता है, 12-13 भी हो सकता है, 13-14 भी हो सकता है, तो कौन से नंबर है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो ध्यान लगाना, सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर का प्लस, अब यहां पर लगाना है सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का अंदर भेज दो और बराबर में 0। ये आपका एक्स स्क्वायर एक बार और ये एक बार, ये दोनों मिलकर हो गए कितनी बार, 2 बार हो गए, और यहां पर भी कितना है आपके 2x, और ये है आपका 1 और ये है आपका माइनस का 365। आप चाहो तो इसके जगह लिख सकते हो 365 में से एक गया तो क्या बच गया, 364, ये 65 ये एक गया, ज्यादा कौन सा है माइनस वाला, तो यहां पर क्या आएगा माइनस। अब देखो सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो यहां पर हमें क्या करना है, सबके अंदर किसका भाग देना है, 2 का भाग देंगे तो इजी हो जाएगा, सब में 2 का भाग दे दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर का 0। ऐसा कौन सा 2 नंबर है, गुणा करो तो 182 घटाओ तो 1, यही संख्या है, अभी बताइए, यही 13-14, वहां पर 27 आ रहा था, अब यहां पर हमें क्या मिलना है 1, क्योंकि वहां पर जोड़कर था और यहां पर घटाकर है, क्योंकि यहां पर माइनस है ना, तो घटाकर 1 लाना है, तो वही नंबर जो अभी हमने लिए थे 13 और 14, तो यहां पर लिखेंगे 14 और 13, इधर क्या है माइनस का 182। अब यहां पर माइनस है, अगर आपको टुकड़े करने नहीं आता ना तो आप सूत्र विधि से भी कर सकते हो, एबीसी मान लेना, डी ज्ञात कर लेना, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब यहां पर देखो माइनस है, 1 आएगा प्लस का 1 आएगा, यहां प्लस मतलब बड़ा वाला प्लस कान छोटा वाला, इन दोनों में कॉमन एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14, इन दोनों में 13 कॉमन, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस भाग जाएगा 14 बार बराबर 0। अब एक्स प्लस 14 आ गया भी आपके कॉमन, क्योंकि ये संख्या यहां भी है और यहां भी है, पीछे बच गया ये 2 नंबर, एक्स माइनस 13 बराबर में 0। अब हम करने वाले हैं यहां पर 2 भाग, पहले आते हैं यहां पर प्लस का है, इधर भेज दो, किसमें हो गया, यहां पर बोला गया है कि हमारा जो उत्तर है वो धनात्मक है, हमारा उत्तर क्या है प्लस वाला है, जबकि ये क्या है आपका ऋणात्मक है, ये नंबर किसमें आपके माइनस में है, इसको काम में नहीं लेना है। अब आते हैं उधर की साइड, माइनस का है उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा पहला उत्तर, ये हमारी पहली संख्या। अगर हमें सेकंड संख्या ज्ञात करनी है, सेकंड संख्या कितनी है 1 ज्यादा, प्लस का 1, 1 और बढ़ा दो तो ये आएगा आपके 13 + 1 कितना हो गया 14। अगर आपको चेक करना, चेक भी कर सकते हो, चेक करना क्या बोला इसने, दोनों के वर्गों का योग, 13 का भी वर्ग और 14 का भी वर्ग, इसका मतलब होता है 169, इसका मतलब होता है 196, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है, तो वो 2 संख्या है जो है ना वो ये संख्या है, ऐसे ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है अभी एक, तो हम लेते हैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ये नहीं दिख रहा कलर चेंज कर देते हैं लोग, ये क्या है अभी एक समकोण त्रिभुज। अब क्या बोला है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, इसकी जो ऊंचाई है ना आधार से 7 कम है, मतलब ऊंचाई थोड़ी कम है, चौथे चित्र को ऐसा बना सकते,
ऊंचाई कितनी है, आधार से भी 7 कम है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा माना इसका जो आधार, आधार मतलब ये लाइन, माना इसका जो आधार है वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसकी जो ऊंचाई है 7 कम है, जितना आधार है ना, आधार कितना कम है, 7 कम है, तो हमें क्या 7 कम कर देना। इसका जो कर्ण है वो कितना देर का आपके 13 देर का है, कर्ण कितना दिया हुआ है आपके 13 देर का है। जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, जैसे मान लो इसका मैंने नाम दे दिया है ए बी और सी, जो आधार तो आधार ही कहलाएगा, कर्ण कर्ण कहलाता है, ऊंचाई को हम लंबी कहते हैं। तो ये जब भी समकोण त्रिभुज आता है ना, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर आप आधार का स्क्वायर करते हो और आप लंब का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है कर्ण का स्क्वायर मिलता है। क्यों मिलता है, कारण लिख देते हैं यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है भाई, ये प्रमेय तभी काम आएगा जब हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब इनको लिखेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। अब ध्यान देना इधर, सबसे पहले आधार कितना है, x, लंब कितना दिया हुआ है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर। हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों भुजाएं एक दे रखी है, दो ज्ञात करनी है, एक x है ना, एक x माइनस 7 है, ज्ञात करना है। देखो x का, अब यहां पर हमें लगाना है, सूत्र लगाना है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी जगह ये लगाना है फॉर्मूला, ये बराबर में क्या दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब यहां पर देखो, ये आपका एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और यहां पर हो गया आपके 7 × 14x प्लस का 49, 49। इसको इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस में 169 बराबर में 0। अब इसको यहां लिखते हैं हम, देखो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में से 49 जाएंगे कितने बचेगा, माइनस का 120 बराबर में 0। अब देखो सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो हमें यहां पर क्या देना है, 2 का भाग देना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर देने वाले हो 2 का भाग, क्योंकि सब में जा रहा है तो दे सकते हो, सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें 2 का भाग जाएगा एक बार, इसमें जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 60 बार बराबर में 0। अब समीकरण आ गया हमारे पास। अब इसके बाद 2 विधियां हैं, जो अच्छा लगे उसे हल कर लो। सबसे फास्ट जो है वो गुणनखंड विधि है, आराम से 4, 5, 2, 3 लाइन में खत्म हो जाती है। उसमें फिर डी ज्ञात करो, फिर ये अंडर रूट में ज्ञात करो, बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, गुणा करो तो 60, घटाओ तो 7, गुणा करो तो 60, घटाओ तो 60, ऐसा होता है 12×5=60, नहीं आता ऐसा कर लेना है। 2 का भाग गया 30, फिर 2 का भाग गया 15, फिर 3 का भाग गया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। हमें इन सभी संख्याओं का यूज करना है, जैसे देखो 2×2=4, 4×3=12, और ये कितना है, 12×5=60, 60 में से घटाओ तो 7, गुणा करो तो 60। इससे नहीं होता तो फिर ये लेते, ये 4 और ये 15, फिर इससे नहीं होता तो ये 2, ये ऐसे करके आपको ट्राई करना है, नहीं तो फिर टुकड़े कर लो 60 के। अब देखो इसका क्या आएगा, 12×5=60, क्या आया, 12×5 आया। अब यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, इधर क्या है आपके बराबर में 0, इधर है आपके 60। अब यहां पर माइनस है, इस माइनस का मतलब होता है एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का, तो यहां पर होगा माइनस और ये हो जाएगा आपके प्लस। ये बताएगा अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन लिखना आपको, बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 12, x कॉमन आ गया, x माइनस 12, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है।
एक्स का एक्स माइनस 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 हो गया, बाकी दीवार जाएगा 12 बराबर में 0। अब एक्स माइनस 12 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा है ये दो नंबर एक्स प्लस 5 बराबर में 0। अब हम कर देंगे इसके दो भाग, पहला ये वाला माइनस का है इधर भेज दो तो, और प्लस का है इधर भेज दो तो, यहां पर है कर्ण आधार लंब ऊंचाई, ये जो है ना नाप जो है ना वो कभी माइनस में नहीं होता है, ऊंचाई आधार जो भी है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसको काम में नहीं लेना है, क्योंकि किसी की त्रिभुज की जो भुजाएं हैं भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं होती है, आप चौथ लिख दो ना भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो ये क्या हो गया आपके x हो गया, x मतलब हो गया आपके आधार, x मतलब क्या हो गया आपके, क्योंकि आधार को हमने x मान रखा है। अब हम लेते हैं ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आधार से 7 कम, तो जितना आधार है उससे 7 कम कर देंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगी 5। अब ये मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो आधार आया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपके 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कभी भी मीटर में माइनस में नहीं होता, हमेशा किसमें होता है प्लस में ही होता है। ऐसे दो कर्मांगत धनात्मक गुणांक, इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, दो धर्मात्मक धनात्मक गुणांक बताया ना, ये वाली चीज आएगी, अभी बताया भी था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही, धनात्मक गुणांक मतलब बताया था आपको प्लस के नंबर, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा मानेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, अगर हमने धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मानना है यहां पर x मानना है, तो हम यहां मानते हैं x, ये लेते हैं यहां पर x। अब हम लेते हैं यहां पर दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, देखो कर्मांगत है, कर्मांग मतलब हो गया लगातार, तो हमें क्या करना है यहां पर एक जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे यहां पर हम एक जोड़ेंगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर देते हैं, यहां पर कर्मांगत तो लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे यहां पर सम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर सम, लिखा तो दो का अंतर, विषम लिखा तो अभी दो का अंतर, ऐसा नहीं एक का अंतर हो जाए, जैसे ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, लगातार सम क्या होगा, दो के बाद 4, 4 के बाद कितना अंतर है दो दो का, अगर विषम बोले तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, अगर विषम बोले तो x और x प्लस 2, सम बोले तो भी x और x प्लस 2, क्योंकि सम में भी 2 का अंतर और विषम में भी 2 का अंतर ही होता है, भले ये 1, 3, 5 है तो भी 2 के अंतर से ही आती है, और 2, 4, 6 है तो भी 2 के अंतर से ही आती है। तो अगर यहां पर लिखा हुआ है दो कर्मांगत सम, सम पूर्णांगों का गुणनफल आ जाए, सम आ जाए तो x प्लस 2 लिखो, विषम आ जाए तो भी x प्लस 2, सम विषम में एक एक दो दो संख्याओं का गैप होता है, दो जोड़ना पड़ता है तब अगली संख्या आती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये बोला है कि अगर आप इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो तो कितना आता है 306। इधर ध्यान लगा लो, ये बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर दोनों संख्याओं को आपस में आप गुणा करते हो तो आपको मिलता है कितना 306। बताओ संख्याएं कौन सी है, दोनों संख्याओं को, ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितना आता है 306 आता है। गुणा करो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक, इसको इधर लिया अंदर 306 बराबर में 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है गुणा कर 306 घटाओ तो एक, कौन सा नंबर बताओ, वो भी लगातार दो संख्या है, या तो होगी 15-16 या होगी 17-18, उस संख्या कौन सी 17-18 कौन सी है 17-18, भाग देके देख लो, दो का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार 3 बार, फिर 3 का भाग दो 51 बार, फिर 3 का भाग दो 17 बार, 17 का भाग दो 1 बार, ये होता है 18 और ये होता है 18-17 में कितना अंतर है 1 का अंतर है, तो आप यहाँ पर 18-17 लिख कर हल कर सकते हो, और थोड़े आप 18-17 करके कर दो हल, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना ये वाला, ये पर 12-5 थोड़े किए थे, ये विधि कौन सी है गुणनखंड विधि है, आप 14 से सूत्र विधि से भी हल कर सकते हो। बताओ ए का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान भी
और सी का मान माइनस का 306। हमें यहां पर क्या करना है, सूत्र हल करना है। फॉर्मूला क्या बताओ, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटा दो ए। ये हल करोगे तो आ जाएगा उत्तर। हल करते हैं, देखो ध्यान लगाना इधर। एक्स का एक्स बराबर का बराबर, ये है माइनस जो यहां लिखा हुआ है। अब बी का मान कितना है, बी का मान है एक प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर, बताओ बी कितना है, एक का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान एक और सी का मान 306 और किसका है माइनस का है 306 बटा दो इंटू ए का मान एक। एक्स का एक्स माइनस का एक प्लस माइनस यहां लगाएंगे वर्गमूल एक का एक माइनस माइनस 306 को गुणा करना पड़ेगा चार से, तो ये आएगा चार तिया बारह और छह चौक चौबीस बटा दो। माइनस का एक प्लस माइनस जोड़ जोड़ कितना होता है, ये होता है 1225। कितना होता है ये, यहां पर वर्गमूल निकालना पड़ेगा बटा दो। 1225 वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, वो होता है कितना आपके 35। कितना होता है नहीं आता, ऐसे करना पड़ेगा आप। पांच का भाग दो कितनी बार जाएगा, पांच का भाग जाएगा दो बार चार बार और पांच बार, फिर पांच का भाग दो चार बार नौ बार, सात का भाग दो सात बार, सात का भाग दो एक बार। इसका जोड़ा बन गया ये नंबर बार, इसका जोड़ा बन गया ये नंबर बार, तो गुणा करो कितना आएगा 35। इससे हल करने का एक नुकसान है, संख्या बड़ी आ गई वर्गमूल में, तो वर्गमूल आपको आता है कोई दिक्कत ही नहीं। और देखो एक तरीका और भी है, जिसके पीछे पांच आता है, जिसके पीछे क्या आता है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, जिसके पीछे पांच आता है ना तो इसका उत्तर यहां पर क्या आने वाला है पांच। इसको टुकड़े करेंगे दो, टुकड़े करने गुणा कर दो बारह घटाओ तो एक, कौन सा नंबर है तीन चौक, दो नंबर छोटा है उसको लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है कब, जब पीछे पांच हो तो, वरना कहीं काम आने वाली नहीं है। जैसे 625 है ना, इसके करना हो तो 25 का टुकड़े करो गुणा कर दो छह घटाओ तो एक, तो वो है दो तिया छह, दो नंबर छोटा है उसको लिखना है ऐसे। लेकिन ये तभी काम आती है जब पीछे क्या हो पांच, वरना काम नहीं आते। तो x का x इधर ध्यान लगाना, माइनस का वन प्लस माइनस, बताओ यहां पर क्या आएगा 35 बटा दो। अब यहां पर हम दो भाग कर देंगे, एक बार घटाकर एक बार जोड़कर। पहले हम लेते हैं जोड़कर, माइनस का एक बीच में क्या आएगा प्लस का 35 बटा दो, और एक बार आएगा माइनस का एक माइनस का 35 बटा, ये तो माइनस ही आएगा, ये वाला एक बार प्लस और एक बार माइनस, 35 में से एक गया 34 बटा दो, कितना आएगा आपके 17। मतलब मेरा पहला नंबर क्या है 17, पहला नंबर 17 है तो दूसरा नंबर कितना है 17 से एक ज्यादा, तो क्या आएगा आपके 18। उत्तर हमारा ये है। उत्तर हल करोगे 35 और एक कितना हो गया 36, में दो का भाग दो कितना आएगा 18, लेकिन ये किसका है माइनस में नहीं लेना है क्योंकि यहां लिखा हुआ है धनात्मक, हमें प्लस वाली संख्या लेनी है माइनस वाली नहीं लेनी है। आप चाहो तो ऐसे करो तो भी अच्छा बात है, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लेना जैसे यहां पर किया था ना गुणनखंड से, इसलिए बोला ये इजी है, दो या तीन लाइन में ही खत्म हो जाता है, ले इसमें आपको इतना करना पड़ेगा और वर्गमूल कभी कभी बड़ा भी आ सकता है, बस ये थोड़ा है बाकी कुछ नहीं। दो ऐसे कर्मांगत विषम धनात्मक, विषम लेना हमें क्या लेना है विषम संख्या लेनी है लगातार, लगातार लेनी है, दो विषम संख्या आपको लेनी है जिनके वर्गों का योग कितना है 290। देखो ध्यान देना, माना पहली विषम संख्या, विषम संख्या पहली हमने क्या मान ली है x मान ली, अगर पहली संख्या x है तो हमारी दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी x प्लस दो, सम आए तो भी x प्लस दो, विषम आए तो भी x प्लस दो, क्योंकि अगर हमने पहली संख्या तीन ली है
इसके अगली संख्या क्या है? पांच है। हमें यहां से यहां आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? दो जोड़ना पड़ेगा, एक तीन पांच सात। सम है तो भी यही लेना है, एक्स और एक्स प्लस दो। विषम है तो भी हमें क्या लेना है? एक्स और एक्स प्लस दो लेना है। अब जो भी उत्तर आएगा आपकी विषम संख्या आएगी, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसी संख्या आएगी। अब ये क्या कह रहा है? वर्गों का योग। क्या बोला है? इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? 290 मिलने वाला है। तो बताना है वो संख्याएं कौन सी है। दोनों संख्या लेनी है हमें, x भी लेना है, इसका भी वर्ग करना है, और x प्लस दो भी लेना है, और हमें इसका भी वर्ग करना है, फिर हमें जोड़ना है, तो हमें कितना मिलेगा? 290 मिलेगा। तो बताना है कि वो संख्याएं कौन सी है। x का x स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस दो इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। और ये इधर है, इधर भेज दो, माइनस में 290 और बराबर में, ज्यादातर बच्चे गलती ही करते हैं, एक्स वाले लिखा हुआ इसको मानते हैं कि इसका है, फिर क्या करते हैं, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स, ऐसे लिख देते, ये अलग है और इसका ये अलग है, ज्यादातर लिखते हैं स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, भूल जाते हैं, पता नहीं क्या करते होता है, ये एक्स से दो दो बार आ गया ना, ज्यादातर ये काट देते हैं एक वाला, गलती आपको नहीं करनी है, ये अलग है और ये एक्स स्क्वायर इसका है, एक और एक कितना हो गया? प्लस चार एक्स प्लस माइनस का 290 बराबर में, अब देखो यहां पर कितना आएगा, दो एक्स स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस का चार एक्स। अब ये घटाओ, 90 में से चार गया, 286 बराबर जीरो। अब देखो सबके अंदर दो का भाग जा रहा है, हम यहां पर करने वाले हैं दो का भाग करने वाले, क्या करने वाले, यहां पर दो का भाग करने वाले, हमें यहां पर करना है दो का भाग, सब में करेंगे दो का भाग, इधर कितना आएगा, एक बार, इधर दो बार, इधर 143 = 0। ऐसा कौन सा नंबर है, गुणा करो तो 143 घटाओ तो दो, 143 के अंदर केवल और केवल 11 का भाग जाता है, वो भी कितनी बार, 13 बार, और 13 का भाग जाता है एक बार, तो वो संख्या कौन सी है, 11 और 13, कौन सी है, 11 और 13, 13 11 लिखो, 11 13 लिखो, आपकी इच्छा है, ये है आपके 143 बराबर में जीरो। अब यहां पर माइनस है, माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, एक आएगा माइनस का, एक आएगा यहां प्लस, तो बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, ये आया आपके एक्स स्क्वायर। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स कॉमन, इधर एक्स कट जाएगा एक्स बचेगा, इधर एक्स कट जाएगा 13 बचेगा, इन दोनों में ही 11 का भाग जा रहा है, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस, 11 का भाग इसमें जाता है 13 बार बराबर में जीरो। एक्स प्लस 13 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x माइनस 11, ये और ये बच गया बराबर में जीरो। अब यहां पर हम कितने भाग करेंगे, दो भाग करेंगे, पहले ये वाला प्लस का इधर भेज दो तो, माइनस का इधर भेज दो तो, और माइनस की संख्या लेनी नहीं क्योंकि यहां पर बोला है धनात्मक, वैसे भी विषम का बोले सम का बोले तो हमें प्लस वाला ही लिखना होता है, माइनस में विषम सम होता ही नहीं है। अब ऐसे बोलेंगे तो बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन सम विषम हमेशा जीरो के बाद ही शुरू होता है, इसका ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका विषम, पहला विषम, ये क्या है आपका पहला विषम। अगर हमें दूसरा विषम संख्या ज्ञात करनी है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा, 11 और दो कितना होता है, 11 13 इस संख्या है, 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा, और 13 का वर्ग करोगे तो 169 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो 300 कितना है, 290 आएगा, जोड़कर देख लेना 290 होता है, अगर आप चेक करोगे तो ये होता है, अगर हो रहा है तो मतलब जो भी आपने किया वो करेक्ट है।
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। एक जमीन है जो कैसी है, आयताकार। आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं आयत। ये आपका ऐसा आयताकार है, ऐसा आपका एक मकान है। मान लो इसको हमने मान लिया इधर ए बी सी डी, ये है आयताकार मकान, आयताकार भूखंड दे रखा है। इसका जो तो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला भाग, ये पूरा, ये अंदर वाला भाग है ना पूरा, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसमें लिखा हुआ का जो तो लंबाई है वो कितना है, चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा। तो चौड़ाई के दोगुने से ज्यादा है, तो यहां पर हमें पहले मानना पड़ेगा कि चौड़ाई कितनी है। हम क्या लिखते हैं यहां पर, माना आयत की चौड़ाई। चौड़ाई को हमने क्या मान लिया है, x मान लो, और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, किसने बोला है चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा, चौड़ाई के डबल से एक ज्यादा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुने से, जितना ही है ना इसका डबल करके क्या जोड़ना है आपको, एक जोड़ना है। ऐसे पहला पॉइंट ये हो गया आपके, चौड़ाई हमने x मान ली और लंबाई है जितनी चौड़ाई है उसका डबल करके एक जोड़ दो। जैसे अगर मान लो 10 है तो उसका डबल 20 प्लस 1 21, अगर वो 30 है तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 61, मतलब डबल करके एक आपको साथ में जोड़ना है। हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करने हैं। हमारे पास एक पॉइंट और देर का है, ये वाला, और ये है इसका क्षेत्रफल। ये क्या है आपके, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हमारे पास देर का है, 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कैसे आता है, जब आप लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हो, तो क्योंकि ये सूत्र है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दे रखा है 528। लंबाई को हमने कितना मान रखा है, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है, x बराबर 528। गुणा करो, इसको पहले इससे गुणा करेंगे, यहां करते हैं डायरेक्ट, देखो कितना आएगा 2x स्क्वायर। इसको इससे गुणा करो, प्लस का x और ये प्लस का है अंदर भेज दो, ये आएगा माइनस का 528 बराबर में होगा आपके जीरो। अब हमें क्या करने हैं, दो विधियां हैं यहां आने के बाद, गुणनखंड या फिर द्विघाती सूत्र विधि, जो अच्छा लगे उससे कर लो। गुणनखंड से करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 1056। इसको इससे गुणा करना पड़ता है गुणनखंड में। फिर क्या करेंगे, टुकड़े कर दो, देखो दो का भाग दो 528, फिर दो का भाग दो 26 और 4, फिर दो का भाग दो 132, फिर दो का भाग दो 6 बार, फिर दो का भाग दो 33, फिर तीन का भाग दो 11, फिर 11 का भाग दो 1। इन सबका यूज करके ऐसा नंबर लेना, जैसे मान लो ये देखो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 9, और ये कितना हो गया, इन दोनों को घटाओ तो कितना आता है, एक आता ना, ओनली एक एक्स आता है। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं 33x और 32x, ये है आपके माइनस का 528। मतलब यहां माइनस है, दोनों को माइनस करने पर ये आना चाहिए। अब यहां माइनस का मतलब हो गया अलग अलग साइन। अब यहां प्लस है तो बड़ा वाला प्लस का छोटा वाला, और ये नंबर आएगा आगे। अगर ऐसा नहीं आता है आपको तो फिर वो सूत्र विधि से कर लेना, द्विघाती सूत्र विधि, उसमें भी वही हार्ड होगा, क्या वर्गमूल ज्ञात करना और कुछ नहीं। बताओ इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन, इधर बचेगा आपके 2 और एक्स, एक्स एक्स कट गया 33 आएगा। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है आपके, देखो यहां पर 2 है, मुझे भी यहां पर क्या लाना है, 2 लाना है। अब 2 कैसा आएगा बताओ, किसका भाग देना पड़ेगा, यहां पर क्या आना चाहिए 16,
सोलह मत्ती होता नहीं वाला, मुझे जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर लाना है, तो दो यहाँ पर दो यहाँ आ गया, और दो का भाग इसमें कितनी बार रहता है, सोलह बार, तो ये सोलह कॉमन आ रहा है, सोलह का भाग इसमें कितनी बार आएगा, सोलह तिया अड़तालीस, फिर बच गए चार, फिर जाएगा सोलह तिया अड़तालीस। अब देखो ये आपके आ रहा है कॉमन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस ये भी माइनस प्लस हो गया। अब ये और ये बचा हुआ है एक्स माइनस सोलह बराबर में जीरो। अब दो भाग करते, ये तो कहलाते हैं गुणनखंड, और मुझे ज्ञात करने हैं मूल ज्ञात करने, करो मूल ज्ञात, देखो ध्यान लगाना। पहले ये लेते हैं, देखो ये लिखा हुआ है इसको इससे गुणा करने पर जीरो आता है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या है जीरो। मान लो कि आपका ये वाला जीरो है या फिर आपके ये वाला जीरो है, होता ना दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर जीरो आता है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए जीरो, या तो ये नंबर जीरो है या फिर ये नंबर जीरो है। अब हमें जीरो मतलब मुझे क्या करना है, मूल याद करने, इसको इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा आपके माइनस में, और गुणा है तो कहा जाएगा भाग में, यह आएगा माइनस के 33 बटा 2। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसको ध्यान नहीं देना काट देना है। आप तो लिख सकते हो आयत की या आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती। अब आते हैं इधर, माइनस का है उधर भेज दो किस्म हो गया, और ये कहलाएगी चौड़ाई, क्योंकि एक्स को हमने क्या मान रखा है चौड़ाई मान रखा है। अब मुझे लंबाई याद करना है, लंबाई कितनी है दो गुने से एक ज्यादा, अगर आपको लंबाई याद करनी है तो वो है चौड़ाई के दो गुने से एक ज्यादा, 16 का डबल 32 प्लस एक, ये 33 मीटर आएगी लंबाई और 16 मीटर आएगी चौड़ाई, ऐसे हम लंबाई और चौड़ाई याद करेंगे। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, कितने साल बड़ी है 26 साल बड़ी है, दोनों के दोनों में अंतर है 26 साल का। अब ये कह रहा है कि अगर उनकी आयु को आपस में क्या करें हम गुणा करें, लेकिन अब नहीं करना है, कब करना है 3 साल बाद, जो भी अभी उम्र है उसके 3 साल बाद अगर हम उन दोनों की उम्र लेकर आपस में गुणा करेंगे कितना आता है 360 आता है, बताओ उनकी उम्र क्या है, मैं बता नहीं। एक तो है रोहन और एक है रोहन की माँ, हमें क्या लिखना है माना रोहन की आयु, माना रोहन की उम्र या रोहन की आयु कह सकते हो, वर्तमान आयु कह दो, क्या कह दो आप यहां पर, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में कितनी उम्र है वो बतानी है आप, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब यहां ले देंगे हम रोहन के मां की आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने यहां पर, देखो दोनों में 26 साल का अंतर है, तो क्या आएगा बताओ 26 साल का अंतर है, मतलब अभी मान लो एक 10 साल का है और एक 36 साल का है, कितना कितना अंतर बताओ 26 साल का अंतर, कैसा आएगा, मैंने इसको एक्स माना और मुझे वहां तक जाना है, इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ा 26 साल जोड़ेंगे तब वो आएगा, तो यहां पर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 26 जोड़ना पड़ेगा, तो यह आएगा x प्लस 26 वर्ष, दोनों की उम्र में कितना फर्क है 26 का फर्क है। अगर माँ की उम्र पहले लेते और रोहन की बाद में लेते तो हम घटा थे, क्योंकि पुत्र की आयु कम होती है माँ की आयु ज्यादा होती है, अब 26 साल ज्यादा है 26 साल का अंतर है, तो 26 साल बड़ी होगी तो प्लस कर देंगे, छोटा है तो माइनस कर देंगे, अब माँ बड़ी है तो प्लस कर देंगे, जैसे ये 10 साल का है तो ये भी 10 लिखो प्लस 26 जोड़कर, ऐसे मतलब जितना है ना यहाँ पर उसमें आपको 26 जोड़ना पड़ेगा, ऐसे दोनों की उम्र आ जाएगी। अब आपको चलना है प्रश्न अनुसार, देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, इसने क्या बोला है आप अगर दोनों की उम्र को आपस में गुणा करोगे, लेकिन गुणा कब करना है 3 साल बाद, तो यहां पर हमें लेना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का गुणनफल, 3 वर्ष बाद गुणनफल अगर आप करोगे, आयु का गुणनफल करना है आपको,
जो भी आयु आती है उस आयु को आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हमें कितना मिलने वाला है, 360 वर्ष मिलने वाले हैं। आयु का गुणा करना है। देखो आयु इनकी ये रही, ए की आयु कितनी है x, और ए की आयु कितनी है x प्लस 26। लेकिन ये तो वर्तमान आयु है, और हमें कौन सी आयु लेनी है, 3 साल बाद की आयु को गुणा करना है। 3 साल बाद में क्या करते हैं, जब बताया हुआ है बाद बोले तो जोड़ना है, कम बोले तो पहले बोले घटाना है। 3 साल बाद बोला तो इसकी उम्र में भी 3 साल जोड़ दो और इसकी उम्र में भी 3 साल जोड़ दो, और फिर आपस में दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है, तब आपको कितना मिलने वाला है, 360। जैसे देखो एक्चुअल में इनकी आयु ये है, ये 7 साल का है और ये है 33 साल का, एक्चुअल उम्र ये है। अब मुझे यहां से जाना, क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे इधर और 3 जोड़ेंगे इधर। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उनको मैं आपस में गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, 360। एक्चुअल उनकी उम्र कितनी है, 7 और 33। लेकिन ऐसे बताने बता रहा हूं आपको पहले समझाने के लिए कि जो उम्र है इनकी वर्तमान में, इसमें भी 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है। ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस कितना, जोड़ लो 29 बराबर 360। गुणा करो x इंटू x, x स्क्वायर 3 एकम और 29 × 3 कितने होते हैं, 29 × गुणा करना ना 29x। इसको यहां गुणा किया, इसको यहां भी गुणा किया, इसको भी गुणा कर दिया, इसको भी गुणा कर दो, ये पहले ये बाद में आएगा। इसको यहां गुणा किया ये आ गया, इसको फिर यहां गुणा करेंगे ये आ जाएगा, इसको इसे गुणा करोगे ये आ जाएगा। ये ऐसे कर सकते हो आप, देखो एक्स पे आ जाएगा 9 7 में जोड़ लो, 29 और 3 कितने होते हैं 32, इनको आपसे गुणा करो यही आएगा, बस ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मैंने पहले इसको कर लिया गुणा। कुल मिलाकर 4 को अलग अलग गुणा करना है, इसको साथ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला अलग अलग गुणा करना है 4 को ही। और ये प्लस का है इधर भेज दो, किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर में क्या आएगा 0। शुरू करते हैं यहां से, सबसे पहले है आपके एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितने होते हैं 32x, और 360 में से 87 कितने बचे, देखो 17 घटाओ, देखो 60 गए 27 बचे, घटाओ 273 कितना आएंगे माइनस का 273 बराबर में 0। ऐसा कौन सा नंबर गुणा कर दो 273 घटाओ तो 32, कौन सा नंबर बताओ, ये है 273। 3 का भाग जाएगा 91 बार, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 13 का जाएगा 7 बार, 7 का देंगे तो 1 बार, ये आता ना 9 1। अब हमें लाना है 32, क्या करेंगे, देखो 32 लाना है तो इसको से गुणा कर लो कितना होता है 39, और ये कितना बचा 39 में 7 गया कितना आता है 32, तो ये आएगा भाई आपके 39x और 7x, माइनस का 273 बराबर में 0। अब यहाँ माइनस है तो आएंगे अलग अलग साइन, यहाँ प्लस मतलब बड़ा प्लस वाला छोटा, और इधर है आपके x स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हमें दोनों की उम्र मिल जाएगी। इसमें मेन प्रॉब्लम है टुकड़े करना, टुकड़े करना आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो क्या कॉमन आ रहा दोनों में, एक्स कॉमन, एक्स का एक्स, एक्स कट गया क्या बच गया 39, इन दोनों में 7 कॉमन क्योंकि यहाँ एक्स ही लाना है ओनली, इधर एक्स आएगा माइनस माइनस, 7 का भाग इधर देंगे 7 या 21 पीछे बच गया 6 हो जाएंगे 63, भाग जाएगा 9 बार बराबर में 0। अब एक्स प्लस 39 आ गया भी आपके कॉमन, तो बचा ये दोनों नंबर x माइनस 7 बराबर में 0। अब यहां पर हमें हल करना है, देखो ध्यान लगाना, ये बोल रहा है कि इनको आपस में गुणा करने पर 0 आता है, इसका मतलब है x प्लस 39 क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 7 क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अब इसको उधर भेजो,
प्लस का उधर भेजेंगे तो किसी की भी उम्र माइनस में नहीं होती, ऐसा नहीं। अभी तो पैदा होने से 39 साल पहले, पहले कौन होगा पैदा ये पता नहीं रहता। उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा आपके, प्लस में हो जाएगा। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है रोहन की वर्तमान आयु, और माँ की आयु कितनी है 26 साल बड़ी। माँ है 26 साल बड़ी, मतलब 7 में 26 जोड़ दो तो उम्र कितनी है, रोहन की उम्र 7 वर्ष, रोहन के माँ की उम्र 33 वर्ष, और दोनों में 26 का अंतर। अगर आप दोनों 3 साल बाद उम्र लेंगे, इसकी 3 साल बाद 10, इसकी 3 साल बाद 36, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आता है, हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग। दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर 180 है, वर्ग करना मतलब स्क्वायर करना, दो संख्या है दोनों के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 180। छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बताना है वो संख्याएं कौन सी है, हमें ज्ञात करनी है। देखो ध्यान देना, इधर दो संख्या है, एक बड़ी और एक छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या को हमने यहां पर मान रखा है एक्स मान लिया, और छोटी को समझ में नहीं आ रही तो क्या मान लेना है, वाई मान लेना है। तो माना कि छोटी संख्या को हमने क्या मान रखा है यहां पर, वाई मान रखा है। अब हमें चलना है अलग अलग पॉइंट लेने, पहला पॉइंट लेते हैं हम यहां पर, ये लिखा हुआ है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या बोला है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याएं लेनी है उनका आपको वर्ग करना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना देर का आपके 180, दोनों का वर्ग मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और अंतर बोला है, अंतर मतलब होता है माइनस, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है आपके 180। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में, क्या बोला इसने, छोटी संख्या का वर्ग, क्या बोला इसने, छोटी संख्या का वर्ग, जो भी छोटी संख्या है उसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना। छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 से गुणा करने पर। अब देखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है बताओ, हमने क्या मान रखी है, वाई, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, एक्स इंटू 8 कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, गुणा कर लो 8x, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब ये वाला मान हम यहां रख देंगे, हमें यहां पर क्या लिखना है, समीकरण नंबर 2 का मान हमें कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां रखो देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अब यहां पर कौन है, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8x, मैं यहां लिखूंगा 8x। अब 180 को अंतर भेज दो, प्लस का किसमें हो जाएगा, माइनस 180 बराबर में क्या हो गया, जीरो, ये बन गया समीकरण। अब समीकरण बनाने के बाद ऐसा नंबर बताओ, गुणा करते 180 घटाओ तो 8, कौन सा नंबर बताओ, 18 × 10 कितना होता है, 18 × गुणा करो तो 180 और घटाओ तो 8। अब यहां पर है आपके माइनस, माइनस का मतलब अलग अलग साइन, यहां माइनस का मतलब बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का, और ये है आपका एक्स स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं, देखो क्या कॉमन आ रहा दोनों में, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 18, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन, एक्स का एक्स 10 जीरो जो कट गया 18 बार बराबर में 0, एक्स माइनस 18 क्या आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे ये और ये बचा है, एक्स प्लस 10 बराबर में 0,
अब दो भाग करते हैं इसका, पहला ये वाला माइनस का है उधर भेजेंगे क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारी बड़ी संख्या, एक्स का मान आ गई बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या ज्ञात करने दी है यहां रखना पड़ेगा आपको, देखो अगर हमें वाई ज्ञात करना है तो कितना है बताओ, 8x है, कितना है ये वाई ज्ञात करने का, 8x, बताओ x का मान कितना है 18, वाई स्क्वायर का है, वाई स्क्वायर कितना होता है 144, स्क्वायर हट गया इधर क्या लग जाएगा आपके वर्गमूल लग जाएगा और कितना आएगा 12, तो उत्तर हमारा है 18 और 12। इधर माइनस में है, माइनस वाला काम में नहीं लेना आपको, माइनस वाला है ना, माइनस वाला काम में नहीं लेते क्योंकि फिर बाद में आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा और माइनस में किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता क्योंकि यहां पर प्लस में आया तो यहां हमने वर्गमूल निकाला, इधर भी वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा और माइनस में वर्गमूल ज्ञात नहीं करते, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 18 और 12। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग दे रखा है 400, हमारे पास कितने वर्ग है दो वर्ग, अलग अलग वर्ग है, एक वर्ग बड़ा है एक वर्ग छोटा है, दोनों का जोड़ कितना देर का है 468 और परिमाप का अंतर कितना देर का है 24, तो बताना है दोनों की भुजाएं क्या होगी, हमारे पास दो वर्ग है, कितने वर्ग है जैसे एक वर्ग ये रहा हमारे पास कितने वर्ग है दो वर्ग है, अब यहां पर हमारे पास दो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो ये हमारा है पहला वर्ग और ये है आपके दूसरा वर्ग, हमारे पास दो वर्ग है, इनकी जो भुजाएं है मान लो इस भुजा कितनी मान ली हमने एक्स मान ली, चार भुजाएं बराबर होती है और इसकी चार भुजाएं भी क्या होती है बराबर, इसकी भुजा एक्स माने तो यहां पर क्या मान लो वाई मान लो, माना भुजाएं एक्स और माना भुजाएं वाई, पहला बोला है वर्ग का क्षेत्रफल, पहले क्या बोला इसने पहले बोला है वर्ग का क्षेत्रफल, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा भी कह सकते हो या भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो, अब ये बोला है वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, देखो क्या बोला इसने दोनों वर्गों के, दोनों वर्गों का हमें क्या लेना है क्षेत्रफल लेना है, दोनों वर्गों का हमें क्या लेना है क्षेत्रफल, फिर क्या करना है उनका योग करना है और योग करने पर हमें कितना मिलने वाला है 468 मिलने वाला है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा भुजा का स्क्वायर है इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, फिर दोनों का जोड़ बोला है जोड़ कितना आ रहा है 468 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक, इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 468, ये हो गया हमारे क्षेत्रफल का काम हो गया अभी। अगला बोला है परिमाप का, अगला क्या बोला है आपके, अब हम लेते हैं वर्ग का परिमाप लेते हैं, वर्ग का परिमाप का मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का जोड़ करना, भुजा 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 तो क्या आएगा 4 × भुजा, परिमाप का फॉर्मूला क्या है 4 × भुजा, ये फॉर्मूला है और हमें यहां पर लेना है अंतर, देखो अगर मुझे इसका परिमाप ज्ञात करना है 1x 2x 3x 4x, क्या आएगा 4x, इसका क्या हो जाएगा इसका 1y 2y 3y 4y और दोनों का अंतर कितना है 24, इसका परिमाप 4x इसका परिमाप 4y और परिमापों का जो अंतर है वो कितना देर का आपके 24 देर का है, देखो सब में 4 का भाग जा रहा है तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई बराबर 24, अब एक्स को इधर भेज दो, एक्स को इधर भेजेंगे क्या होगा बताओ 24 भाग जाने कितने भाग दे 6 बार, अब क्या करेंगे इस एक्स को उधर भेज दो, एक्स को उधर भेजेंगे क्या आएगा बताओ माइनस का वाई बराबर, उत्तर भेजेंगे किसमें हो जाएगा 6 - x हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे अगर ये प्लस का कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा, अब ये y का मान हम यहां पर रखेंगे इसकी जगह, तो y का मान है इधर को
देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई का जगह ये लिखेंगे एक्स माइनस छ का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, बराबर में क्या दे रखा आपके 468, इस्तेमाल करेंगे तो उत्तर आएगा। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस दो इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अंदर भेज दो, ये एक और ये कितना हो गया, ये हो गया 6 दुनी और ये होता है आपके 36 और वो है आपके 468 बराबर में 0। अब ये है 2x स्क्वायर, ये है आपके 12x, घटाओ तो 432 कितना आ रहा है। तो सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर में 0। बताओ ऐसा कौन सा नंबर गुणा करो तो 216 घटाओ तो 6 आते, कौन सा नंबर बताओ, गुणा करो तो 216 घटाओ कितना आता आपके 6 आता, कौन सा नंबर है, 18 × 12 कितना होता है, ये है 216 बराबर में 0। अब यहां माइनस तो अलग अलग साइन, यहां माइनस तो बड़ा माइनस का छोटा, ये आपका एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 18, इन दोनों में 12 कॉमन, एक्स का एक्स इसमें इसका भाग जाता है 18 बार बराबर में 0। एक्स माइनस 18 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर एक्स प्लस 12 बराबर में 0। अब अलग अलग भाग कर देते, देखो ये तो वैसे ही क्या बनेगा माइनस, उधर जाकर क्या बनेगा माइनस बन जाएगा ना, ये तो कोई काम का है नहीं, ये ही काम का आएगा, माइनस का उधर गया किसमें हो गया। अब हमें वाई ज्ञात करना, वाई ये रहा, वाई का मतलब क्या होता है 18 में से क्या घटाओ 6 घटा दो तो वाई का मान कितना आएगा, तो एक ही भुजा 18 एक ही भुजा 12। एक आयताकार खेत है, क्या दे रखा है आयताकार खेत है, ये रहा आयताकार खेत, ये क्या दिया हुआ आयताकार खेत दिया हुआ। अब यहां दिया हुआ है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है, अब विकर्ण दिया हुआ है, हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पर विकर्ण लेना है, विकर्ण लेते हैं, विकर्ण मतलब यहां आता है विकर्ण, इसको हम लेते हैं यहां पर एबीसी, ए बी सी और डी। अब यहां पर लिखा हुआ है इसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 ज्यादा, छोटी कितनी है लिखा हुआ नहीं है, तो हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा वो हमने क्या मान ली है एक्स मान ली, मतलब ये वाली क्या आपके एक्स है, और विकर्ण है वो कितना है, छोटी भुजा कितनी ज्यादा है 60 ज्यादा है, इसका जो विकर्ण है विकर्ण कितना है छोटी भुजा से 60 ज्यादा। अब आगे लिखा हुआ है इसकी जो बड़ी भुजा है, मतलब ये वाली देखो ये बड़ी भुजा ये छोटी भुजा और ये विकर्ण, और जो बड़ी भुजा है ये वाली, जो इसकी बड़ी भुजा है वो कितनी है छोटी भुजा से 30 अधिक, छोटी कितनी है एक्स से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा। अब ये बोला इसकी भुजाएं ज्ञात करो, क्या बोला इसने भुजाएं ज्ञात करो, तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है पहले कि ये क्या है आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, और ये हमें मिल गया एक समकोण त्रिभुज, और जब भी समकोण त्रिभुज आता है पहले ही बताया हुआ हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाना है जिसमें नियम क्या है आपके कर्ण स्क्वायर लिखो, एक ही बात है क्या लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये क्यों लगता है पाइथागोरस प्रमेय, ऐसा लगता है। शुरू करते देखो क्वेश्चन सॉल्व करना, कर्ण कर्ण का होता है 90 डिग्री सामने वाला, बताओ कितना है एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, आधार कितना है
एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, और लंब कितना देर का है, एक्स का स्क्वायर। हल करते हैं, देखो पहले ये लेते हैं, यहां पर क्या लगेगा आपके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका हल। अब इसको करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या बचा हुआ, अब जो कटता है वो काट दो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इधर भी है, इधर भी है, कट गया, इधर लाओगे तो भी कट जाएगा, ये कितना होता है और ये कितना होता है, इनका 6 का 36, 1 0 का 2 0, एक्स स्क्वायर ये कितना होता है 60x, और ये कितना 3 का 9 और 1 0 का, इनको उधर भेजेंगे। अब हमारे पास इधर क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900, इनको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 120 माइनस में, और क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, कितना है माइनस का 3600 बराबर में 0। अब ये एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर 120 माइनस का है और 60 प्लस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का 60x, और 3600 में से 900 गए तो 2700, यहां पर क्या आएगा माइनस बराबर 0। ऐसा कौन सा नंबर गुणा करो 2700 घटाओ तो 60, 0 भूल लो एक बार के लिए, ऐसा बताओ गुणा करो 27 घटाओ तो 6, गुणा करो तो 27 घटाओ तो 6, कौन सा नंबर है 9 या 27, कौन सा नंबर है 9 या 27। अब 0 वापस लाओ, x भी वापस लाओ, यहां पर है माइनस, माइनस का मतलब अलग अलग साइन, यहां माइनस मतलब बड़ा माइनस का छोटा, आगे देर का है एक्स स्क्वायर, अब कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 90 प्लस 30 का 30 कॉमन, एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस, भाग जाएगा आपके 9 बार और 0 बार, एक्स माइनस 90 आ गया आपके कॉमन, पीछे बच गया आपके कितना, एक्स प्लस 30 बराबर में 0। दो भाग करो, पहला ये वाला, माइनस का उधर भेजेंगे तो और प्लस का उधर भेजेंगे तो भुजाएं कभी भी माइनस में, एक्स का मतलब हो गया छोटी भुजा। अब मुझे याद करना है विकर्ण, विकर्ण कितना है, छोटी भुजा से 60 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 ज्यादा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। अगर मुझे ज्ञात करनी है, बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, तो वो कितनी है, छोटी भुजा से 30 ज्यादा, कितना आएगा 120। परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है, मतलब एक ऐसा आपको पार्क बनाना है जिसका क्षेत्रफल कितना हो 400 और परिमाप कितना हो 80, क्या ऐसा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा संभव है या फिर नहीं है, जब ये बोले ना संभव है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी याद करना पड़ेगा, है ना, विभक्ति कर याद करना पड़ेगा, अगर 0 आया या प्लस का आया तो संभव है और माइनस का आया तो संभव नहीं है। और ये बोल रहा है कि यदि संभव है तो बताना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी उसकी, हमें लेना है एक वर्ग, क्या बोला इसने, एक वर्ग बोला, हम लेते हैं यहां पर एक वर्ग लेते हैं, एक ऐसा पार्क बनाना है आपको, अब वर्ग भी हो सकता है आयत भी हो सकता है, तो हमें यहां पर क्या बनाना है, एक वर्ग या आयत, कोई भी बगीचा बनाना है, पार्क बनाना है, तो ये मान लो ये क्या है आपके पार्क है। अब पार्क में देखो लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो हम क्या करते हैं यहां पर मान लेते हैं, माना लंबाई, लंबाई को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया, और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया यहां पर वाई मान लिया। अब पार्क है
आयताकार उसके परिमाप क्षेत्रफल होता है आयत में और वर्ग में। अगर अलग अलग भुजाएं होंगी तो आयत होगा, भुजाएं समान होगी तो वर्ग होगा। अब यहां पर देखो ये बोला है कि हमें एक ऐसा पार्क बनाना है जिसका परिमाप 80 होना चाहिए और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400 होना चाहिए। तो हम लेते सबसे पहले हम लेते हैं परिमाप, सबसे पहले हम लेते हैं परिमाप लेते हैं। परिमाप कितना देर का है 80 मीटर। मान लो कि आयत है और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ज्ञात करने का बताओ, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो बार आपको लेना लंबाई चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई एक बार और लंबाई प्लस चौड़ाई दो बार, तो ये आ गया दो बार से गुणा है तो भाग में। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा बताओ, 40 भाग जाएगा दो बार। अब लंबाई को मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है, और चौड़ाई को मैंने क्या मान रखा है, y मान रखा है। अब x से y में से एक उधर भेज दो तो y का मान आ जाएगा आपके 40 माइनस एक्स, ये आ गया आपके y का मान। ये पहला पॉइंट लिया है परिमाप का। अब परिमाप ज्ञात करने के बाद अब हम लेने वाले हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना देर का बताओ, 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो दे रखा है 400। अब लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर कितना दे रखा है 400। x का x बताओ, y का मान कितना है, तो यहां लिखेंगे हम 40 माइनस x, इसको इधर भेज दो, माइनस में 400 बराबर गुणा करेंगे इधर, ये आएगा 40x। इसको से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x इंटू x एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 400 बराबर में 0। अब यहां पर देखो आप चाहो सबका साइन बदल सकते हो, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का करना है सबका साइन बदलना पड़ेगा। पहले आएगा ये, बाद में आएगा ये, फिर आएगा ये, इनको यहां पर ही आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होता है। अगर आपने एक का साइन चेंज किया सबका साइन चेंज होगा। अगर मैंने इसको प्लस का बना दिया, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा, मैंने क्रम से भी जमा दिया और साइन भी चेंज कर दिया। अब यहां तक आगे हमें समीकरण मिल गया, समीकरण मिलने के बाद बोला है संभव है या नहीं है। संभव के लिए हमेशा क्या करते हैं, डी याद करते हैं, डी माइनस में आया तो असंभव, डी प्लस में आया जीरो आया तो संभव। तो पहले हमें डी याद करना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं डी याद करते हैं। तो पहले बताओ ए का मान कितना है एक, बताओ बी का मान कितना है माइनस का 40, और सी का मान कितना है 400। अगर डी का मान याद करो, देखो डी का मान याद करना है, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का मान कितना है माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान है एक और सी का मान है 400। अब हल करते हैं, देखो डी का डी है ही है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 4 का 4 चौक 16 और 1 जीरो का 2 जीरो, इधर भी हो गया 1600। तो डी का मान क्या आया, जब डी का मान 0 आया तो हम लिखेंगे यहां पर संभव है। संभव है तो हमें ज्ञात भी करना, जीरो आया है तो संभव है, जीरो नहीं आता माइनस में आता तो असंभव होता, और उसे ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं होती। अब संभव है तो ज्ञात करो, जैसे डी जीरो आ गया है, अब जब डी जीरो आता है ना, सबसे इजी तरीका कौन सा होता है एक्स याद करने का, फॉर्मूला मेथड, माइनस का बी बटा 2a, ये फॉर्मूला है। एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, दोनों मूल बराबर, डी का मान जीरो मतलब मूल वास्तविक है और बराबर बराबर है। अब देखो माइनस का माइनस, बताओ बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 40,
दो इंटू ए का मान कितना है, एक माइनस माइनस बटा दो बराबर कितना आया 20। 20 क्या आई, लंबाई x का मान। चौड़ाई याद करने क्या करना पड़ेगा, 40 में से घटा दो, ये तो आ गई लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई है 20 मीटर। और चौड़ाई याद करनी है, y का मान याद करना है, तो y का मान कितना है, 40 में से x गया, 40 में से x का मान 20 गया, तो क्या आया, मतलब लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 का मतलब वो क्या है, वर्ग है। ये क्या है, एक ये ऐसा वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और सभी भुजाएं कितनी है 20 20 की। परिमाप याद करो, 20 20 20 20 हो गया 80, चारों जोड़ेंगे तो परिमाप मतलब होता है 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, मतलब जो बनेगा वो जो पार्क बनेगा वो वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है इसकी बराबर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो उसको हम बोलते हैं वर्ग। तो जो भी हमारे पास पार्क बनेगा वो वर्गाकार पार्क बनेगा, और जब भी यहाँ पर डी का मान 0 आएगा तो वर्गाकार या फिर दोनों मान क्या आएंगे, एक समान आएंगे। ये तो मैंने एक हल किया है, दूसरा हल करोगे तो भी 20 उत्तर आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मूल क्या है बराबर है, क्योंकि डी का मान 0 है। अगर यहाँ माइनस आता है तो इसको हल करने की जरूरत नहीं होती, हम लिख देते ये क्या है असंभव, तो हल करने की आवश्यकता नहीं। क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं, संभव के लिए क्या करेंगे हम, डी याद करेंगे। अगर डी का मान माइनस में आता है तो असंभव है, वरना संभव है। अगर संभव है तो उनकी आयु ज्ञात करो, किसकी आयु ज्ञात करनी है, यहाँ लिखा हुआ है दो मित्रों की आयु ज्ञात करनी है, दो मित्रों की आयु है और उनके आयु का योग कितना है 20, और हमें बताना है और उनको गुणा करने पर कितना आता है 48 आता है। तो ऐसी कोई उम्र है या नहीं है बतानी है। जैसे ऐसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कि एक 12 साल का है तो एक क्या होगा 8 साल का, क्योंकि दोनों जोड़ कितने होनी चाहिए 20 होनी चाहिए। इनको आपस में गुणा करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 96 आ रहा है, जबकि वहां कितना आ रहा है 48। अब आपको अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा, 13 और 7 भी हो सकती है, 11 और 9 साल भी हो सकती है, 10 और 10 भी हो सकती है, तो कितना आएगा 100 भी आ सकता है, 99 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 48 हो सकता है, उसको बताना है। 48 के चांस कम बनते हैं, लेकिन जब डी याद करोगे, अगर डी माइनस में आ गया मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसको जोड़ने पर तो 20 आता हो और गुणा करने पर कितना आता हो 48 आता हो। दो मित्र है, दोनों की उम्र लेनी है, आप पर क्या लिखेंगे हम, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु यहां पर लिखते हैं, हमें मित्र की आयु हम कितना मान लेते हैं यहां पर x वर्ष मान लेते हैं, और दूसरे मित्र की जो आयु है वो हम क्या मान लेते हैं यहां पर y वर्ष मान लेते हैं। सिचुएशन नंबर 1, ये बोला है दोनों ही मित्रों को आपस में आयु का जो योग है वो कितना है आपके 20 वर्ष है। आप चाहो तो हिंदी में लिखना तो हिंदी वाला भी लिख सकते, तो मैंने ऐसे लिखा शॉर्ट में, आप यहां पर लिख सकते हो दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का जो योग है, दोनों मित्रों की आयु का जो योग है आपस में जोड़ेंगे तो वो कितना आता है, दोनों जोड़ लो 20 आ गए। अब वाई को पहले निकालना है, वाई को जिसको हटाना है उसको आप वाई मान लेते, यहाँ पर वाई को ले रखेंगे एक्स को उधर भेज देंगे, तो वाई का मान क्या आएगा 20 माइनस एक्स, ये आ गया पहला पॉइंट। अब लेते हैं दूसरा पॉइंट, ये बोला है 4 वर्ष पहले, अब से 4 साल पहले जाना है, अभी गुणा नहीं करना है, ये क्या बोला 4 वर्ष पूर्व, अब पूर्व कह दो पहले कह दो, 4 साल पहले में क्या होगा हमें घटाना पड़ेगा, बाद वाले में जोड़ते हैं पूर्व वाले में घटाते हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों की उम्र में से क्या करेंगे, देखो दोनों हैं, ये है पहला मित्र और एक है यहां पर दूसरा मित्र, दोनों के मित्रों को आपस में गुणा करोगे उम्र को तो कितना मिलेगा आपको 48। पहले मित्र की आयु एक्स है, दूसरे मित्र की आयु वाई है, लेकिन ये तो वर्तमान आयु है और यहां पर क्या लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 हमें यहां पर भी घटाना है और 4 हमें
यहां पर भी घटाना है, बराबर कितना हो गया 48। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखो पहले, तो y का मान कितना है 20 माइनस एक्स, पहले वो रखना पड़ेगा। देखो x माइनस चार तो है ही है, अब y का मान कितना है, y का मान है 20 माइनस, ये तो y का मान है, पीछे क्या दिया हुआ है माइनस चार बराबर में 48, ये है x माइनस चार, और यहां पर देखो 20 में से चार गए, 16 माइनस एक्स बराबर 48, दोनों का आपस में गुणा करते हैं, x इंटू 16 करेंगे तो x इंटू एक्स करेंगे तो 16 इंटू चार करेंगे तो 16 चौक 64 माइनस माइनस, और ये आएगा आपके 4x, इसको इधर भेज दो बराबर में 0। अब ये तो है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये दोनों ही प्लस के हैं, 16 और 4 कितने हो गए 20x, और ये दोनों ही माइनस के हैं तो कितना हो जाएंगे, ये दोनों जोड़ लो कितना होता है 8 4 12 का 1 6 4 10 और 1 11, कौन सा बड़ा है माइनस का ही नंबर बड़ा है। आप सबका साइन चेंज कर दो ताकि एक्स स्क्वायर किस में हो जाए आपके प्लस में हो जाए, हम ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में। अब हम क्या करेंगे, डी याद करेंगे, अगर डी माइनस में आया तो असंभव है, डी प्लस में आया जीरो आया तो संभव है, तो हम क्या करेंगे यहां पर देखो ए का मान कितना बताओ, बी का मान कितना और सी का मान कितना, हम यहां पर डी याद करते हैं, फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, बताओ बी का मान कितना है माइनस का 20, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 112, 20 इंटू 20 होता है 400, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 112 इंटू 4 4 एकम 4 बार 4 48, और यहां पर किस में आया आपके, इसका मतलब ऐसा असंभव, ऐसे कोई दो दोस्त जिनकी उम्र का योग 20 लेकिन 4 साल पहले की उम्र लेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो 48 आता ही नहीं, कुछ बड़ा नंबर आता होगा या छोटा नंबर आता होगा लेकिन 48 नहीं आता, ऐसा कोई स्थिति संभव नहीं है। 13 मीटर व्यास का एक वर्ताकार पार्क है, एक पार्क कैसा है अभी आपके वर्ताकार पार्क है, हम लेते हैं यहां पर एक वर्ताकार पार्क लेते हैं, ये रहा अभी आपके वर्ताकार पार्क, और ये इसका केंद्र। अब यहां पर क्या बोला गया देखो, थोड़ा ध्यान देना आपको, इसने बोला इसका व्यास कितना देर का है, 13 इसका व्यास है, तो हम क्या करते हैं यहां पर इसका व्यास लेते हैं, ये हो गई इसकी त्रिज्या, और अब लेते हैं इसका व्यास, बताओ कितना व्यास है इसका, 13 मीटर का इसका व्यास है, तो ये वर्ताकार पार्क है, इसका व्यास कितना देर का है 13 मीटर। अब आगे लिखा हुआ है परिसीमा पर, परिसीमा मतलब यहां पर कहीं पर, इधर कहीं पर भी एक बिंदु है, तो मैं मान लेता हूं यहां पर बिंदु है, इधर मान लेता हूं, चलो ये तो आपका वर्त का व्यास है, और यहां पर मैंने एक नया बिंदु ले लिया है, सी बिंदु ले लिया। अब आ गया बोला इसने, अब यहां पर एक बिंदु पर एक खंभा लगाना है ऐसे ऊपर, अब बिंदु रहने दो आप, खंभा कब गाड़ोगे इधर। अब ये बोला है पार्क के एक व्यास के अंत बिंदु, ध्यान होना ये व्यास है, व्यास के अंत बिंदुओं पर यहां पर दो गेट बने हुए, एक गेट इधर है और एक गेट इधर है, ये क्या बोला हुआ ऐसे फाटक है समझ। अब क्या लिखा हुआ है ए और बी से, ए और बी से अगर ये खंबे की दूरी, ये दूरी खंबे की और ये दूरी खंबे की, इन दोनों दूरी के जो अंतर है वो कितना है 7 मीटर का अंतर है, ये ऐसे ही बोल रहा है कि ये एक वर्ताकार है, यहां पर एक व्यास है और व्यास के ऊपर इसका नाम है ए बी, और यहां पर है फाटक गेट बना हुआ है और यहां पर एक खंबा है, अगर आप सीधी दूरी, सीधी दूरी इस दूरी और इस दूरी के अंदर 7 मीटर का अंतर है,
जितना ये है उससे 7 मीटर ज्यादा है या फिर कम है, ये ज्यादा है तो ये लिखोगे तो कम है। अब बोला ऐसा संभव है या नहीं है बताना है, तो संभव के लिए क्या करते हो ध्यान देना इधर। इसने बोला इन दोनों में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। मान लो कि ये दूरी x की है तो ये दूरी कितनी आएगी, x प्लस 7, 7 मीटर ज्यादा है वो, तो 7 मीटर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये अर्धवर्त है, अर्धवर्त जब भी अर्धवर्त होता है, अर्धवर्त में जो आपके कोण बनता है 90 डिग्री बनता है, ये क्या है एक अर्धवर्त है, और अर्धवर्त में हमेशा यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री है। क्लास 9 में था आपके, ये 180 होता है तो उसका आधा इधर होता है, क्लास 9 में था ऐसा आपके, तो जितना यहाँ होता है उसका आधा ये होता है। अर्धवर्त में बनने वाला कोण हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपके एक समकोण त्रिभुज, और जैसे समकोण त्रिभुज आता है तो नियम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये लगता है आपके पाइथागोरस प्रमेय। अब ये समकोण त्रिभुज नहीं बोलकर घुमा फिराकर आपको अर्धवर्त बता रहा है, ताकि आप खुद ही दिमाग लगाओ कि अर्धवर्त है, और अर्धवर्त के अंदर जो कोण बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री का। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, समकोण त्रिभुज का था ना, उसमें दोनों का अंतर 5 था, उस अंतर वहां पर भी 7 था, यहां पर भी 7 ही है, वही क्वेश्चन है, उत्तर भी वही आएंगे, 5, 12 और 13। बताओ कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है x मान लो, और लंब कितना हो गया x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया 169, ये हो गया आपके x स्क्वायर। अब यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 169 है, और ये का एक ने कितना हो गया, ऐसे कर सकते हो, देखो इसको उधर भेज दो, पहले ही इसको उधर भेज देंगे बाद में, ये देखो एक और एक कितना हो गया प्लस 7 × 14x प्लस 7 का स्क्वायर, और ये प्लस का उधर भेज दो, ये बराबर में आएगा 0। इसको मैं यहां लिख देता हूं, बताओ क्या आया, 2x² प्लस के 14x, और यहां पर घटाओ कितना अंतर है 120 का, और बराबर में 0। अब देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग देंगे, भाग 2 इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, इसमें जाएगा 60 बार, बराबर में 0। अब यहां आने के बाद ये बोल रहा है संभव है या नहीं, संभव का बोलते हमें डी याद करना है, तो डी याद करते हैं, बताओ ए का मान कितना, बताओ बी का मान कितना, और सी का मान कितना, हमें डी याद करना है। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ बी का मान कितना 7, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 7 का स्क्वायर माइनस माइनस 6 × 24 240, डी याद करें कितना आएगा 292, ये 17 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 17 स्क्वायर, इसलिए इसको हम गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर गुणा करो 60 घटा हो तो 7, 12 × 5 = 60। अब देखो ये प्लस में आया तो हम क्या लिखेंगे, ये स्थिति संभव है, संभव है तो इसको ज्ञात भी करेंगे, ज्ञात करने का तरीका एक तो है वो टुकड़े करके, ऐसा नंबर बताओ गुणा करके 60 घटाओ तो 7, 12 × 5 कर देंगे, या फिर देखो x याद करने का फॉर्मूला भी है, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक्स का x माइनस का माइनस, बताओ b का मान कितना है, b का मान है 7 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ये ऑलरेडी हमने ज्ञात कर रखा है, आप कितना आया 290, बार बार ज्ञात करने की जरूरत नहीं, एक बार ज्ञात कर लिए, ए का मान कितना है 1, एक्स का एक्स माइनस 7
प्लस माइनस 200 गुणनब्बे का वर्गमूल कितना होता है 17, 17 इंटू 17 200 गुणनब्बे बटा कितना है 2। अब यहां पर हम दो भाग करेंगे, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। अगर आप घटाकर करोगे तो ये होता है माइनस का 24 बटा 2 माइनस का 12। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती, उसको हटा दो। अब ये वाला करेंगे, 17 प्लस का है 7 माइनस का है, 17 में से 7 गए, 10 बटा 2 कितना होता है, तो ये 5 आ गया ये वाला। अब ये ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है, 7 जोड़ देंगे, एसी कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 कितना होगा, ये आएगा 5 मीटर, ये आएगा 12 मीटर, ये 5 ये 12 और ये 13। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब यहां से जैसे जयपुर जाना है तो जयपुर जाने के लिए चलती है ये गाड़ी, और अगर गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा होती, मान लो कि आप 50 से चल रहे हो 55 की होती, या अगर आप 40 से चल रहे हो तो 45 की होती, थोड़ी सी स्पीड आपकी ज्यादा होती तो आप एक घंटा कम समय में पहले पहुंच जाते, थोड़ी स्पीड ज्यादा होती तो आप एक घंटे पहले पहुंच जाते। तो बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, वो चाल क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, माना रेल की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, ऐसे में चाल कितनी मान ली हमने यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम समझ लो स्पीड है। अगर चाल बढ़ाने के बाद देखो, अगर मैं चाल में वृद्धि करता हूं, चाल में वृद्धि करने के बाद बात कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी x प्लस 5। अभी गाड़ी स्पीड x है, अगर चाल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, मान लो 40 है तो 40 प्लस 5 45, 50 है तो 50 प्लस 5 55। अब वहां तो नंबर है तो जुड़ जाता है, या जुड़ता नहीं है तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 5। अब देखो, पहले पहुंचने में और बाद में पहुंचने में, देखो जब गाड़ी की स्पीड x थी और जब गाड़ी की स्पीड क्या थी x प्लस 5 थी, तो यहां पर टाइम देखो, गाड़ी की स्पीड जब बढ़ाई तो हम जल्दी पहुंच गए। अब देखो यहां तो ये चाल है, ये क्या है चाल, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ कि हम एक घंटे पहले पहुंच गए। अब मान लो कि हमने गाड़ी की चाल ज्यादा की होती तो हम जल्दी पहुंच जाते, मान लो पहले पहुंच रहे थे 10 घंटे में, गाड़ी की चाल में बढ़ा देता तो कितनी देर में पहुंच जाता 9 घंटे में, मुझे कितना फर्क है, एक घंटे का फर्क है। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से देखना भाई, मैंने गाड़ी की चाल नहीं बढ़ाई तो 10 घंटे में पहुंचा, ऐसे ही मानो 10 घंटे 9 घंटे में पहुंचा, क्या 8 घंटे पहुंच गए, तो हम मानते हैं गाड़ी स्पीड मैंने नहीं बढ़ाई तो 10 घंटे में पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी की स्पीड 5 बढ़ाई तो मैं एक घंटे पहले ही पहुंच गया, जितना पहले था उससे एक घंटे पहले ही पहुंच गया। अब देखो ध्यान देना, ये भी समय है, ये भी समय है, और ये भी, और हमें समय ही पर ही ध्यान रखना है। और अगर आपको समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला है समय ज्ञात करने का। अब दूरी सबको पता है, दूरी कितनी तय करनी बताओ, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर की दूरी है। अब इस पर ध्यान देना, ये जो मैंने किया ना, ये वाला x वाला पहले आएगा, x प्लस 5 वाला बाद में आएगा, अगर चाल को कम कर देता ना तो ये पहले आता नहीं, ये बाद में आता, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सर ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन हमें भाग देना है, चाल भाग में आ रहा है, इसमें ज्यादा संख्या भाग देते संख्या छोटी हो जाती है। जैसे अगर मान लो मैं देखो 10 है, 10 में अगर मैं यहाँ पर 2 का भाग दूंगा तो उत्तर ज्यादा आएगा, और जैसे ही मैं 10 के अंदर थोड़ी बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो उत्तर छोटा आएगा। तो यहां पर जो चाल है ना वो भाग में लिखना है। देखो फॉर्मूला ये है, दूरी बटा चाल, बताओ दूरी कितनी है, पहले हम यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार, समय मुझे ज्ञात करना है, पूर्व का समय, पहले कितना समय लगता था, फिर बाद में कितना समय लगा, इन दोनों समय के अंदर कितना अंतर है बताओ, एक घंटे का अंतर है।
पहले पहुंचे थे 10 घंटे में, बाद में स्पीड बढ़ाई, मान लो सेकंड बार में चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ा दी तो हम तो 9 घंटे में पहुंच गए, तो कितना आया 1 घंटे पहले पहुंच गए। अब देखो यहां पर समय है, समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, बताओ दूरी कितनी है और चाल कितनी है एक्स, पहले की चाल ये है माइनस समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 360 और चाल अब कितनी हो गई एक्स प्लस 5 बराबर कितने घंटे का अंतर है 1 घंटे का अंतर। देखो नहीं समझ आया तो उत्तर बता दो, उत्तर इसका उत्तर क्या आया आपके 9 और 8, कितना उत्तर है 9 घंटे में पहुंच जाएगा, ऐसे ध्यान देना। इसकी चाल जो है ना वो कितनी है 45 की चाल, 40 की चाल, देखो ध्यान देना, दूरी कितनी है 360, गाड़ी की चाल कितनी है 40 की, तो मैं कितने घंटे में पहुंच गया 9 घंटे में पहुंच गया, और जैसे ही वही दूरी मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, कितनी कर दी 45 कर दी, 5 बढ़ा दी, तो कितने घंटे पहुंचा मैं 8 घंटे में ही पहुंच गया, कितना अंतर है 1 घंटे का अंतर है। तो दूरी बटा चाल करेंगे तो समय आएगा, समय आ जाएगा आपके 1 घंटे का, अगर उत्तर से देखें तो। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दूरी में चाल का भाग देंगे, दूरी में चाल का भाग देंगे, और ध्यान रखना यहां पर गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एक्स पहले आएगा और एक्स प्लस 5 बाद में, क्योंकि जितना ज्यादा से भाग देंगे तो उत्तर कम आएगा। अब यही सवाल सेम है तो यहां पर भी दिया हुआ ये वाला ही, लेकिन यहां पर दूरी कम कर रहे हैं, दूरी कम करेंगे तो गाड़ी 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो इसमें क्या करना, सेम क्वेश्चन ही है, सेम तरीके ही है, बस ये वाला इधर आएगा नहीं ये इधर आएगा, वहां पर गाड़ी की चाल कम करते हैं, कम करते हैं तो हमें यहां पर कम वाला लिखना है और यहां पर हमें ज्यादा वाला लिखना है, ज्यादा का भाग देंगे उत्तर कम आएगा और कम का भाग देंगे उत्तर ज्यादा आएगा, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है, बस ये सीख लो तो आगे तो बहुत ईजी है, इतना सा पॉइंट आपको सीखना है। अब देखो लसप लेते हैं हम, बताओ क्या लसप आएगा, एक्स भी आएगा और एक्स प्लस 5 भी आएगा। देखो जब भी ये दोनों लेते हो ना तो तिरछा गुणा कर दिया करो, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, देखो इससे गुणा करो क्या आएगा 360 को किससे गुणा करना है एक्स प्लस 5 से, इसको इससे गुणा करना है तो क्या आएगा 360x बराबर में 1। अब देखो यहां पर गुणा करो 360 एकम 360x, 360 इंटू 5 करेंगे कितना आता है 1800 और ये कितना है 360x, इसको 1 से गुणा करेंगे इधर तिरछा गुणा कर देंगे ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, देखो x इंटू एक्स और x इंटू 5 5x, तिरछा गुणा कर दिया मैंने इसको इससे इसको, 1 से गुणा करने कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ये नंबर उधर चला जाएगा। अब हल करते हैं, देखो जो कटता है वो काट दो, देखो 360 कट गया, एक माइनस का और एक प्लस का, इसको उधर भेज दो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना 1800 बराबर में 0। ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो तो 1800 घटाओ तो 5, अभी बताया था आपको 40-45 बताया था ना, क्या आएगा 45x और 40x। अब यहां पर है आपके माइनस, इनको गुणा करना आपस में 1800 होता है, घटाओ कितना आता है 5 आता है, यहां माइनस का मतलब अलग अलग साइन, अब यहां प्लस का मतलब बड़ा वाला प्लस का छोटा वाला, इन दोनों में क्या कॉमन, तो ये आएगा एक्स प्लस 45, इन दोनों में 40 कॉमन, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस, इसका भाग इसमें जाता है 45 बार बराबर में 0। अब एक्स प्लस 45 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये वाला एक्स माइनस 40 बराबर में 0। हल करते हैं, देखो प्लस का इधर भेजेंगे तो और माइनस का उधर भेजेंगे तो गाड़ी की चाल कभी माइनस में नहीं होती है, गाड़ी की चाल होती है प्लस में, तो गाड़ी की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, 40 से जाएंगे इसमें भाग देने पर 9 घंटे आते हैं, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी स्पीड 45 करेंगे तो आप 8 घंटे में ही पहुंचो, दोनों का अंतर कितना हो गया आपके 1 घंटे का अंतर है। ये थोड़ा सीखना है आपको, रेल का समय आ जाए
दूरी ये ना चाल बढ़ाने पर घटाने पर ध्यान रखना है। चाल घटा रहे हैं तो इधर आएगा, बढ़ा रहे हैं तो उधर आएगा, ये एक्स उधर चला जाएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी कितनी है 480। ये कह रहा है अगर मैं गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कम कर देता, 8 किलोमीटर कम कर देता तो 3 घंटे लेट पहुंचता। पहले आप जल्दी जल्दी जा रहे थे, फिर गाड़ी स्पीड क्या कर दी आपने, कम कर दी। कम करने से आप 3 घंटे लेट पहुंचे, तो बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं माना रेल की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मान ली, यहां पर एक्स मान ली, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है गाड़ी की। अब चाल में हमें करनी है कमी, तो हमने क्या कर दी भाई, चाल में कमी की। अब देखना पूरा, चाल में कमी करने के बाद चाल घटा कर ली, दो 8 कमी कर दी, क्या हो गया एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो कि पहले आप पहुंच रहे थे 10 घंटे में, पहले कितनी देर में पहुंच रहे थे, 10 घंटे में पहुंच रहे थे, लेकिन गाड़ी की चाल आपने कम कर दी तो आप 3 घंटे लेट पहुंचे। पहले आप 10 में पहुंचे थे, अब कितनी देर पहुंचे, 13 घंटे में। देखो ये आप पहले पहुंच रहे थे, जैसे ही आपने गाड़ी की चाल कम कर दी तो आप बाद में जो गए तो लेट पहुंचे। गाड़ी की चाल आपने कम कर, देखो यहां पर गाड़ी चाल एक्स है, और जैसे ही गाड़ी चाल आपने कम की तो आप लेट पहुंचे, कितने घंटे, 3 घंटे लेट पहुंचे। तो पहले 10 से जा रहे थे, अब कितने घंटे आप पहुंचे, 13 घंटे पहुंचे। तो दोनों अंतर कितना हो गया, 3 घंटे का। मतलब ये एक्स वाला आपको बाद में रखना है और घटाने वाला आपको पहले। अगर यहां पर चाल को बढ़ा देता तो ऐसा करना पड़ता, एक्स प्लस 5 बाद में आता, ये थोड़ा ध्यान रखना और कुछ नहीं। अब यहां पर हम चलते हैं प्रश्न अनुसार, पहले लिखो वो लिख दो। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। बताओ समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी है, दूरी कितनी है बताओ, 480 किलोमीटर। अब चाल कितनी है वो तुम अभी लेने वाले, देखो ये आ गई, अब आपके दूरी आ गई, इसकी तरह चलना है आपको प्रश्नानुसार। पहले का समय, पहले थोड़ी बाद का समय पहले आएगा इधर, क्योंकि बाद में टाइम ज्यादा लग गया, तो ये लिखना बाद का समय, बाद का समय ज्यादा लगा और पहले का समय कम लगा। पहले हम जल्दी पहुंच गए थे, बाद वाले में हम मान लो ये पहली बार गए थे, ये बाद में गए थे, कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी 480 और चाल कितनी x माइनस 8। अब यहां पर अंतर निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, पूर्व का समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल, दूरी कितनी और चाल कितनी x बराबर 3 घंटे का अंतर है। ये सब मैंने ऐसे बेसिक समझाने के लिए लिया कि ये आपको लेना, दोनों क्वेश्चन साथ में करोगे ना दो दो बार तो समझ आ जाएगा आप। अब करते हल, देखो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, लसफ लेने वाले, क्या आएगा x माइनस 8 भी आएगा और x भी आएगा, तिरछा गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा कर दो, 480x माइनस गुणा कर दो, ये प्लस का होगा, देखो इसको गुणा करो इससे कितना आएगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो का जीरो, 8 64 असल का 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होता है 38 बराबर में 3। अब जो कटे तो काट दो, देखो ये प्लस का और ये कट गया, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 3x x माइनस 8, तिरछा गुणा कर दिया इधर और इधर, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 3840, तिरछा गुणा करना है, इस 3 को गुणा करना है इधर, इस 1 को गुणा करना है इधर, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। अब गुणा करो, 3 एकम
तीन एक्स स्क्वायर, फिर आठ दिया 24x। आप साथ ऐसे भी कर सकते हो, तीन का भाग इधर देखकर संख्या हल्की भी कर सकते हो ऐसे। देखो यहां पर क्या बताओ, x है और x माइनस आठ है, अब ये गुणा में तीन इधर कहां जाएंगे भाग में, तो 3840 में हम भाग देंगे किसका, तीन का। ये गुणा करो x इंटू एक्स, एक्स इंटू आठ, और ये कितना होता है 1280, प्लस का अंदर भेज दो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ऐसा। ऐसा कौन सा नंबर गुणा कर तो 1280 घटाओ तो 8, कौन सा नंबर बताओ गुणा कर तो, ये है 40 और 32, कितना है देखो घटा के देखो कितना होता है 8, गुणा करो तो 4 × 8 4 × 12, अपने स्तर पर कर लेना भाई तुम। ये है माइनस का, बताओ तो यहां पर क्या है माइनस, तो अलग अलग साइन आएंगे। अब यहां पर क्या है माइनस, तो बड़ा वाला माइनस का छोटा वाला, ये है आपके एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन, इधर बच गया एक्स, एक्स कट गया तो 40, इन दोनों में 32 कॉमन, एक्स का एक्स माइनस 32 का भाग यहां पर देने पर 40 बार जाता है, तुम भाग दे के ट्राई कर लेना। अब एक्स माइनस 40 क्या आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बचा ये दोनों एक्स प्लस 32 बराबर 0, दो भाग करेंगे, पहला ये वाला माइनस का उधर भेज दो प्लस, और प्लस का उधर भेज दो, दूरी चाल जो होती है वो प्लस में होती है माइनस में नहीं होती है, तो दूरी आएगी चाल आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा,